हाँ जी बच्चों, अजी असाइनमेंट्स जड़िया ने ईवीएस दिया टेस्ट दिया और रिवाइज करनिया ने 7 सितंबर दी बेटा असाइनमेंट है शीट नंबर 13 वो पढ़ांगे आपां। हाँ जी, ऑन बीइंग स्कोल्डेड बाय पेरेंट्स व्हाट विल यू डू। अगर थानू पेरेंट डांटते हैं तो तुसी की करोगे। बिकम केयरलेस, केयरलेस हो जोगे, बेपरवाह हो जोगे, ट्राई टू मेंट द मिस्टेक, अपनी गलती नु सुधारोगे। अमेंड का मतलब है सुधारना, मिस्टेक का मतलब है गलती। बिकम सैड, उदास हो जाओगे, स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर दोगे। तो अगर साडे पेरेंट्स सानू डांटते हैं तो आपां की करते हैं, गलती नू अगों तो सुधारते हैं। ट्राई टू मेंड द मिस्टेक। नेक्स्ट, टू रन द हाउस होल्ड मैनी चिल्ड्रन, घर का गुजारा जिहड़े कर बच्चे चलाते ने बहुत सारे, वो की करते हैं, स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, की खाना ते पीना बंद कर देंगे हैं। स्टॉप गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना बंद कर देंगे हैं। स्टॉप टेकिंग बाथ, नहाना बंद कर देंगे हैं। स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देंगे हैं। बच्चों जेडे लोग बच्चे घर का गुजारा चलाते हैं, घर के लिए काम करते हैं, जे अगर उन्होंने माँ या प्यो कोई काम नहीं कर सकता तो वो की करते हैं, स्टॉप गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाना बंद करके की करते हैं, अपना घर का काम करते हैं। ट्राइबल पीपल ईट डैश एज फूड। ट्राइबल पीपल की खाते ने फास्ट फूड, केक, फ्रूट एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, एग्स। जेडे बच्चे सॉरी जेडे कबीले रेंदे ने लोग जंगलों के बच्चे रेंदे ने वो की खाते ने फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ के पत्ते और फ्रूट्स खाते ने। नेक्स्ट है द प्रोफेशन वी लर्न फ्रॉम आर एंसेस्टर आर नोन एज, जेडे असी काम धंधे अपने बुजुर्गों तो सीखते हाँ उन्होंने कहते हैं रिच प्रोफेशन, नाइस, वधिया प्रोफेशन, हेरिडिटरी प्रोफेशन, नेटिव प्रोफेशन। तो बच्चों जेडे असी अपने बुजुर्गों तो सीखते हाँ उन्होंने आप कहने हेरिडिटरी प्रोफेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग, इन्होंने दसना है कि कहड़ी स्टेटमेंट गलत है। प्लांट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेन, प्लांट्स रेन नू लियांदे विच हेल्प करते ने, प्लांट्स प्यूरीफाई द एनवायरमेंट, प्लांट्स वातावरण नू शुद्ध करते हैं। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ह्यूमन जेड़ा प्लांट्स दे उत्ते निर्भर करता है भोजन लिए। नंबर फूड प्लांट वेस्ट आर लोड्स ऑफ वाटर, जेडे प्लांट्स है वह पानी भी वेस्ट करते हैं। तो बच्चों इन्होंने उपरले 3 पॉइंट तो ठीक है कि जेडे प्लांट्स है वो रेन लिया एनवायरमेंट में प्यूरीफाई करते हैं, और जेडे ह्यूमन है जेडे मनुख है वो अपनिया फूड वास्ते कि डिपेंड करता है प्लांट्स से। इतने जी रोंग स्टेटमेंट है वह है प्लांट्स वेस्ट ए लोट ऑफ वाटर, प्लांट्स का पानी में बचा के रखते हैं, नुकसान नहीं करते। तो इतने ऑप्शन आ जाएगी 4, प्लांट वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर। जी बच्चों, एक 8 सितंबर की साड़ी असाइनमेंट है शीट नंबर 14, इसी एडवाइज करांगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, क्यूमन, स्पाइस, वीट ग्रेन, मूंग ऑयल, मैरीगोल्ड फ्लावर। क्यूमन बेटा जीरा ए मसाला है, वीट कनक एक दाने ने, मूंग ऑयल, मैरीगोल्ड फ्लावर। ए मैरीगोल्ड तो बच्चों फ्लावर है, तो इतने इनकोरैक्ट केड़ा है, मूंग। मूंग बच्चों दाल होंगी है, ऑयल नहीं होंगे। नेक्स्ट है करंस मटरनल ग्रैंड मदर लिव्स इन हिमाचल, करण के जेडे नानी माँ ने वो कितने रहते हैं हिमाचल। शी बॉट अ पश्मीना वूल स्वेटर फॉर करण फ्रॉम हिमाचल, वो हिमाचल तो करण वास्ते पश्मीना वूल की लेके आए स्वेटर। वी गैट पश्मीना वूल, तो दसो असी पश्मीना वूल कितों लैने हाँ, फ्रॉम द गोट, फ्रॉम द कैमल, फ्रॉम द शीप, फ्रॉम द होर्स। तो बच्चों असी अगे पढ़िया है पश्मीना वूल एक हिमाचल दे विच गोट रहिंदिया ने, असी उन्हां तो लैंदे हाँ, तो इतने आंसर की आ जाएगा फ्रॉम द गोट। थर्ड स्पीसीज ऑफ हाउस स्पैरो इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जेडे स्पैरो है जिहड़ियां चिड़िया ने उन्हां दी जाति खत्म हो रही है। द मेन रीजन ऑफ देयर एक्सटिंक्शन इज, इन्हां दे खत्म होण दा की कारण है। नंबर वन डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, उन्हां दा आवास खराब हो गया है। दीज बर्ड्स हैव माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज, वो दूजे
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਹੰਟਿੰਗ ਦੈਮ, ਪੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4 ਆਲ ਅਬਵ ਤੇ ਟਿਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹੈਬੀਟੇਟ। Fourth question, it is beneficial and safe for the children to live in a joint family because ਇਹ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਲਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਸੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਏ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਟ੍ਰੀਜ਼ ਆਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫੋਰ ਅਸ, ਸਟਿਲ ਪੀਪਲ ਕੀਪ ਔਨ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੀ ਬਿਕੋਜ਼। ਬੱਚੋ, ਟ੍ਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨੋਟ ਨੋ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੀਪਲ ਕੱਟ ਦੈਮ ਦੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ। ਪੀਪਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੀਜ਼ ਆਰ ਬੀਂਗ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਲ ਦਾ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਪੀਪਲ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੇੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ 9/9/20, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ 15 ਨੰਬਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮ ਸਾਈਨਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ, ਦੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਆਰ। ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਲੋ ਦਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ, ਯੈਸ, ਨੋ, ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕੌਣ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੈਲਪਫੁਲ ਫੋਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਪਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਆਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਲਰਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਬਾਊਟ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਗੇਮ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਗੇਮ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਗੇਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੇਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਗੇਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਗੇਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਿਕਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਪਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਬੇਟਾ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲਾਂਟ ਐਸ ਮੈਨੀ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਟ੍ਰੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ
दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन, वातावरण को साफ रख देने, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे गिव अस ऑक्सीजन, ऑल बग। तो बच्चों इतने की आ जाएगा ऑल बग, क्योंकि जेडे ट्री जेडे ने वो एनवायरमेंट नु भी क्लीन कर देने, सॉइल नु मतलब पोखो नु जमीन नु मिट्टी नु रुड़न तो बचाते ने, और सानू की देंगे ने ऑक्सीजन देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट स्टडी एक्टिविटी असाइनमेंट है 10 सितंबर दी, ये शीट नंबर है 16। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल। फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल वास्ते केडी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तुझे दसनी है। फर्स्ट है द टीथ ऑफ फ्लैश, इतने बेटा एस एन ई इतने लगा लेना, ईटिंग एनिमल्स आर शार्प एंड पॉइंटेड। इन्हों के एनिमल के दंद बड़े तेज और तिखे होंगे ने, और दीज एनिमल्स आर सेंसिटिव टू देयर नेटिव एरिया। उन्होंने अपने एरिए दे बारे पहचान हुंदी है, उन्होंने पता चल जाता है कि इतों के जानवर निकल के गया। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर एट रिस्क फ्रॉम द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जेडे प्लांट ईटिंग एनिमल्स ने उन्होंने फ्लैश ईटिंग एनिमल तो हमेशा की रहता है, खतरा दिता है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करैक्ट, सारिया स्टेटमेंट उपर वास्ते करैक्ट हैं। तो बच्चों इतने केड़ी आ जाएगी, क्योंकि फ्लैश ईटिंग एनिमल के दंद भी तिखे होंगे और तेज होंगे, और ये नेटिव एरिया दे विच सेंसिटिव होंगे। तो इतने आ जाएगी ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करैक्ट। सेकेंड, द वर्ल्ड क्लास गेम्स ऑफ डिफरेंटली एबल पीपल आर, जेडे वर्ल्ड क्लास गेम जेडे डिफरेंटली एबल पीपल वो होंगे ने जिन्होंने कोई ना कोई जिस तरह अंग प्रॉपर काम नहीं करते, उन्होंने वास्ते होंगे। तो वह कि गेम्स होंगे ने बच्चों, पैरा ओलंपिक। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द लेटेस्ट न्यूज वी विल हैव टू, अगर तुम लेटेस्ट कोई न्यूज जानना चाहते हो तो तुम की करते हो, पुरान ओल्ड बुक पढ़ते हो, नो कोई ओल्ड पिक्चर देखते हो, नो कोई न्यूज़पेपर रीड करते हो, नो वॉच ए फिल्म ऑन टीवी, टीवी पे फिल्म देखते हो, नहीं बच्चों आप करते हैं रीड न्यूज़पेपर। अगर असं लेटेस्ट न्यूज़ देखनी है तो आप करते हैं न्यूज़पेपर रीड करते हाँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेकिंग टी, इन्होंने दसो कि असी चाह बनाने इस्तेमाल नहीं करते। सिनामन, क्लोव, टर्मरिक, कार्डमम। बेटा सिनामन है दालचीनी, क्लोव है लौंग, टर्मरिक मतलब हल्दी, कार्डमम इलायची। तो आप नहीं करते चाह बनाने, टर्मरिक हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते। विच इज़ अ न्यूट्रिशियस फूड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, किसी नवे पैदा हुए बच्चे लिए केड़ा खाना होंगे है, ब्रेड, ब्रेस्ट फीड, पॉरेज, दलिया और राइस। बच्चे जो छोटा बेबी होंगे है वो की लेंदा है, ब्रेस्ट फीड। हाँ जी बच्चो, होप तुहानू ये याद हो जाएगी। थैंक यू।